मुनीम, इन गरीबों से बोल दो ये सारी जमीन मेरे नाम कर दें, नहीं तो इन सभी को ना इसी जमीन में गाड़ दूंगा। मालिक थोड़ा शांत रहिए, अगर आप इसी तरह से गुस्सा करेंगे तो इस जमीन को भूल जाइए। तो क्या करूं, इन गरीबों के सामने हाथ फैला के भीख मांगूं कि अल्लाह के नाम से दे दे रे बाबा? बिल्कुल मालिक। मालिक आपने सुना नहीं है, मुश्किल वक्त में भी कुत्ते को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। अरे मुनीम, मिसाल तो ठीक से दिया कर, कुत्ते को नहीं गधे को अपना बाप बनाना पड़ता है। मालिक कुत्ता हो या गधा, बात तो आपके समझ में आ गई, इतना ही काफी है। मालिक आप यहीं पर रुकिए, मैं इन किसानों से बात करके आता हूँ। पर मुनीम, ये जमीन हम किसानों से जबरदस्ती ले रहे हैं, ये बात नीरज को तो नहीं पता है? मालिक इन गरीब किसानों की जमीन के कागजात पर हम जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं, ये बात उसको तो क्या किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मालिक अगर नीरज यहाँ आ गया आप मुझे गोली मार देना चूना लगा के। चल ठीक है, जल्दी से साइन करवाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कसम महाकाली की अब इस जमीन पर बियर फैक्ट्री खोल कर रहूंगा। मालिक आप यहीं पर रुकिए, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ। ठीक है। और मेरे प्यारे गरीब किसान आओ, मेरे मालिक बुला रहे हैं। मालिक ये रहे। अच्छा ये बताओ किसान लोग, खेती में कितना कमा लेते हो? अरे गरीबो कुछ तो बोलो, मालिक पूछ रहे हैं इतना कमा लेते हो? इतना तो कमा ही लेता हूँ कि अपने परिवार का पेट पाल सकूं और दो वक्त की रोटी खा सकूं, और तेरी तरह नहीं कि किसी के तलुए चाटने पड़े। बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो पर आगे की नहीं सोचते हो। मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बोलो। मतलब यह है मेरा कि भविष्य में बारिश ना हुई तो और फसल ना उगा सके तो तुम और तुम्हारा परिवार भूख से मर जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी जमीन मेरे मालिक के नाम कर दो, और मेरे मालिक तुम्हारी इस जमीन पर बियर की फैक्ट्री खोलेंगे और तुम सब उस फैक्ट्री में काम करोगे, अच्छा पैसा भी कमाओगे, तुम में से कोई बेरोजगार भी नहीं रहेगा, इसलिए मेरे मालिक तुम्हारी जमीन पर बियर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। तुम सब अपनी अपनी जमीन मेरे मालिक के नाम कर दो। अगर यह बात नीरज को पता चल गई, फैक्ट्री की तो बात छोड़ो, तुम दोनों को गांव से बाहर निकाल देगा। अबे ओ भिखारी। सत्यानाश, प्यार से समझा रहा था, अब झेलो। चुपचाप ये सारी जमीन मेरे नाम कर दे, वरना तुम सबको ना इसी जमीन पे दफन कर दूंगा। तुम सब भले मेरी जान दे दो लेकिन यह जमीन तुम लोगों के नाम नहीं करेंगे। यह जमीन मेरी जिंदगी है और मेरे जीवन यापन का जरिया है। अगर यही जमीन तुम्हारी जिंदगी है ना, तो यही जमीन तुम्हारी मौत का कारण भी बनेगा। अरे मुनीम, तुम्हारा नाटक वाटक खत्म हो गया हो तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से फटक लो, इधर मैं कोई लोचा वोचा नहीं देखना चाहता हूँ। ओ चाचा तुम लोग घर जाओ, रोटी उठी खा के सो जाओ, हम लोग इनसे निपटते हैं। इनका नाटक वाटक खत्म हो चुका है, तुम लोग घर जाओ। चलो ठीक है साहब जी, चलो भाई। अबे ओ लाओ मत, अगर तू इतना ही मर्द होता ना, इन गरीबों का सहारा ना लेता और उनकी जमीन छीनने की कोशिश ना करता और इनको जान से मारने की धमकी ना देता। अबे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मैं यहाँ पे बियर फैक्ट्री खोल के रहूंगा। ए कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर, मेरे भैया का कुत्ते का शोर पसंद नहीं। अबे चुप कर पिल्ले चुप, और अपने भाई को ना काबू में रख वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। काबू में रख रखा है तभी तो चुप है, वरना अगर छूट दे दिया ना तो शमशान घाट भी कम पड़ जाएगा तुम सबकी चिताओं को आग लगाने के लिए। मुनीम मुझे तू ही इसमें से समझदार लगता है, अपने मालिक को ले जा, मुझे कुत्तों का शोर पसंद नहीं। और हाँ अपने मालिक को घर ले जा, इन्हें थोड़ा ठंडा शरबत पिला, इस समय ज़्यादा गर्मी हो गई। अबे ओ नीरज। ओए चिल्लाओ मत, ये ने क्या कहा सुना नहीं? ने कुत्तों का शोर पसंद नहीं। सुन एक दिन यही कुत्ता तुम्हें भौंकेगा भी
और काटेगा भी। उस दिन का इंतजार रहेगा। चल छोटे। और हाँ, ज्यादा कुत्तों की तरह भौंकना मत, क्योंकि कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ी बाहर टहल रही है, कहीं तुम्हें पकड़ न ले। मुनीम, लगता है बियर फैक्ट्री डालने से पहले इन दोनों की मौत सोचना पड़ेगा। कसम महाकाली की, नीरज को तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। मालिक। हाँ। पर कैसे, हमसे ज्यादा तो उसके पास पावर है। कौन सी पावर है उसके पास? हाँ, जनता की पावर है। मेरे पास पैसों की पावर है। मालिक, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? कहो, लेकिन फायदे वाली बात हो ना तभी कहना, नहीं तो मैं तुझे गोली भी मार दूंगा। हाँ मालिक, उसे पैसों से नहीं, उसे दिमाग से हराना होगा। पर कैसे? मालिक, जैसे रावण ने विभीषण की लंका ढाई थी। अबे मुनीम, मिसाल तो ठीक से दिया कर। रावण ने विभीषण की लंका नहीं, विभीषण ने रावण की लंका ढाई थी, अब समझे? मालिक, मिसाल कुछ भी हो, बात तो आपके समझ में आ गई। मालिक, मेरा कहने का मतलब यह है, जिस तरह से विभीषण ने रावण की लंका ढाई थी, ठीक उसी प्रकार उसके अंदर का आदमी चाहिए। मुनीम, क्या बकवास आइडिया दे रहा है? जब उसके कुत्ते इतने वफादार हैं, तो सोच उसके आदमी कितने वफादार होंगे। उसके लिए तो वो सारे किसान मजदूर और वो सारी जनता खड़ी हो जाती है, हमारे लिए कौन खड़ा होगा और हमारी मदद कौन करेगा? मालिक, उसका एक आदमी है। कौन है? मालिक, मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ उससे खतरा तो बहुत है, लेकिन अपना काम हो जाएगा। मुनीम, हर सिगरेट पे लिखा होता है कि धूम्रपान करना जानलेवा होता है, लेकिन लोग उसे पीते जरूर हैं। बस तू उसका नाम बता। भाई, पता चल रहा है ऋषभ हम लोग को मारने के लिए प्लान बना रहा है। कोई नहीं छोटू, बनाने दो उसे प्लान, देख लेंगे क्या कर लेता है। ऐसा करो, तुम लोग घर चलो, मैं थोड़ी देर में आता, मुझे कुछ काम है। ठीक है भैया। ऋषभ क्या प्लान बना रहा है, कुछ तो पता चले। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।